السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى في مقام اخر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरे महतरम भाइयों अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें क़ुरान वाली उम्मत बनाया और अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई मेरे भाइयों ईमान की दौलत अल्लाह के ख़ज़ानों की सबसे बड़ी और सबसे क़ीमती दौलत है जिसको ईमान मिला सब कुछ मिला जिसको ईमान नहीं मिला उसको कुछ नहीं मिला तो मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं ईमान वाले हैं हमें इस पर फख्र होना चाहिए इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान उसे कहते हैं कि जो अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे अल्लाह के हवाले कर दे जो अपना कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना करे जो अपने सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करे वो मुसलमान है और बेहतरीन दर्जे का मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, जो किसी को अपनी ज़बान से और अपने हाथ से तकलीफ़ ना देता हो वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है तो मेरे भाइयों ईमान के बाद सबसे अहम अमल और सबसे ज़रूरी अमल सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा अमल नमाज है नमाज की फजीलत के लिए और नमाज की अहमियत को समझने के लिए सिर्फ़ एक बात काफ़ी है कि जितने भी अहकाम अल्लाह उतारे हज़रत जबरील अली वसलाम के वास्ते से ज़मीन पर उतारे लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताली ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाजों का तोहफा तहफाता फरमाया अल्लाह ने पचास नमाजें दी कम होते 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 अल्लाह के नबी जाते रहे नौ मरतबा अल्लाह के नबी गए तो पैतालीस कम हो गई पांच रह गई हजरत मूसा अलैहि सलातो सलातम ने कहा ए मोहम्मद ये भी ज्यादा है ये नमाजें भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी तो मेरे नबी ने फरमाया कि मूसा मुझे अपने रब के पास जाते हुए शर्म आ रही है अब मैं नहीं जा सकता और दूसरी बात यह है कि अब पाँच पाँच कम कर आ, कम पाँच पाँच कम हो रही हैं और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को नमाजों से महरूम ही कर दे ये पाँच भी चली जाए तो अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया ए मेरे नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कह दें ऐलान कर दें कि जो पाँच नमाजों की पाबंदी करेगा वक्त पर पढ़ेगा मैं उसके लिए पचास नमाजों के बराबर सवाब बता करूँगा इसलिए मेरे भाइयों हम नमाज़ों की पाबंदी करें नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है मौलाना कासिम नानोतवी रमत फरमाते हैं अगर नमाज़ छोड़ने की कहीं गुंजाइश होती तो जंग के मैदान में होती लेकिन वहाँ भी अल्लाह ताला ने नमाज छोड़ने की गुंजाइश नहीं दी वहाँ भी हुक्म है कि नमाज क़़ायम करो जब वक्त हो जाए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तहु करबला का मैदान है और दुश्मन सामने हैं नमाज का वक्त हो गया जहर से पहले का वक्त है एक साथी को भेजा कि शिमर से कहो कि हमें नमाज पढ़नी है उसने कहा कि उनकी नमाज ही नहीं होती तो उस साथी ने कहा कि बदबक जिनके तुफैल नमाज उतरी है उनकी नहीं होती और तेरी होती है कहा कि हम नमाज की इजाज़त नहीं देंगे तो वो आया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तू को ये सारा वाकया सारी बात बताई तो हजरत हुसैन रज़ी अल्ला ने फरमाया कि आधे दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहें और आधे नमाज की नीयत बांधे तीरों की बौछार तलवारें चल रही हैं और अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांध कर नमाज पढ़ कर पूरी दुनिया के इंसानों को यह पैगाम दिया कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है इसलिए मेरे भाइयों इसलिए मेरे भाइयों हम नमाज की पाबंदी करा जरा सा बहाना हो जाए हम नमाज छोड़ देते हैं हमें नमाज की कोई परवाह ही नहीं है आप अल्लाह की कसम एक महीने तक आप नमाज की पाबंदी कर लें हम नमाज ना छोड़ें फिर इनशाला जिंदगी भर नमाज आपको नहीं छोड़ेगी आप नहीं पढ़ेंगे ना आपको बेचे नहीं रहेगी आपका दिल मुतमईन नहीं रहेगा और मेरे भाई याद रखना गुनाहों के अंदर सुकून नहीं है आराम नहीं है लज्जत नहीं है आप गुनाहों में डूब जाओ शराब में डूब जाओ जीना में डूब जाओ जुआ सट्टे में डूब जाओ अगर एक सेकंड के लिए भी सुकून पा जाओ आराम पा जाओ तो मुझे जो मर्जी सजा देना अल्लाह की किताब ही गलत हो जाएगी किताब अल्लाह गलत हो जाएगी मेरा रब अपनी किताब में कुरान पाक में फरमान अला बिज्रकलूब के लोगों सुन लो दिलों को जो सुकून मिलेगा इतमान मिलेगा अल्लाह की याद से मिलेगा अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है गुनाहों के अंदर दिलों का सुकून नहीं है कितने लोग हैं अरब खरब पैसा भरमार है लेकिन उन जैन की नींद नहीं नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती तो इसलिए मेरे भाई हम नमाजों की पाबंदी करें मेरे नबी फरमा कि नमाज दीन का सुतून है असला तो आमूद्दीन नमाज दीन का सुतून है जिसने नमाज को कायम किया कायम करने से मुरादी है उसको वक्त पर पढ़ा अच्छे तरीके से पढ़ा तो उसने दीन को कायम रखा और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढहा दिया एक हदीस में मेरे नबी ला दीन सलात फरमा जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं उसका कोई धर्म कोई मजहब नहीं और फिर आगे फरमाया कि नमाज का दर्जा दीन के अंदर ऐसा ही है जैसा कि इंसान के बदन के अंदर सर का दर्जा है जैसे बगैर सर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता इसी तरह बगैर नमाज पढ़े किसी का दीन बाकी नहीं रह सकता और एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ी दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ी तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे सख्त नाराज़ होंगे अल्लाह हमसे नाराज हो जाए तो हमारा मामला ख़राब हो गया आखिरत में हम बर्बाद हो गए हम नाकाम हो गए आखिरत में अगर हम अल्लाह अगर हम न, इस हाल में मिले कि अल्लाह हमसे नाराज़ है और एक हदीस में मेरे नबी नफर मन तरक मुच आमदन कफ़र जिसने जान बूझ कर एक नमाज भी छोड़ दी उसने काफिर अमल किया बास अइम्मा बास साहबा इस तरफ गए कि जान बूझ कर नमाज छोड़ने की वजह से आदमी काफिर हो जाता है दीन इस्लाम से निकल जाता है और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुफर और दर कुफर और ईमान के इस्लाम के दरमियान जो आड़ है वो नमाज है जो आदमी नमाज छोड़ देता है वो उस आड़ को खत्म कर देता है तो इसलिए मेरे भाई हम नमाजों की पाबंदी करें अल्लाह के लिए नमाज ना छोड़े मैंने अमार मैं कर रहा था कि जितने भी आकाम उतारे अल्लाह ने जमीन पर उतारे जबरील के वास्ते से नमाज की बारी आई तो अपने नबी को अपने पास बोला कर नमाजों काफा तो, आता फरमाया और मेरे नबी ने फरम लिखुल्लिसन आलमान मौल सलात कि हर चीज की एक निशानी और एक अलामत होती है जिससे वो चीज़ पहचानी जाती और ईमान की निशानी ईमान की अलामत नमाज पढ़ना जो नमाज नहीं पढ़ता वो ईमान वाला नहीं हो सकता अल्लाह के नबीन फरमाया जो जिसको ज्यादा मस्जिद आता जाता देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो और सात तरह के आदमी सात किस्म के आदमी अल्लाह के अरश के साए में होंगे कयामत के दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, एक शख्स एक वो भी है के वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहता है अटका हुआ होने से मुराद ये है कि जहर की नमाज पढ़ के जा रहा इस नीयत से इस इरादे से अल्लाह जिंदगी रही तो असर पढ़ने फिराऊंगा असर पढ़ने के बाद वो जा रहा है मस्जिद से निकलकर और इस नीयत से जा रहा कि अल्लाह जिंदगी रही तो मगरिब पढ़ने फिर आऊंगा मगरिब पढ़ के जा रहा इस नीयत से कि या अल्लाह जिंदगी रही तो ईशा पढ़ने फिर आऊंगा ईशा पढ़ के जा रहा मस्जिद से इस नीयत से कि यह अल्लाह जिंदगी रही तो फजर पढ़ने फिर आऊंगा और फजर पढ़ के जा रहा इस नीयत से अल्लाह जिंदगी रही तो जहर पढ़ने फिर आऊंगा ये है इस हदीस से मुराद के रजुल कल्बू मन बिल मस्जिद के वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में हर वक्त अटका रहे इसलिए मेरे भाईओ गुजारिश है नमाज छोड़ने पर कैसी कैसी वईदे आई है अल्लाह के नबी फरमाने सरासर जुल्म है कुफ्र है निफाक है वो शख्स का अमल जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुने और फिर नमाज के लिए ना आए यानी वो शख्स जालिम भी है वो मुनाफिक भी है वो काफिर भी है जो मुअज़्ज़िन की आवाज को सुन रहा है और फिर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आ रहा और मेरे नबी ने फरमाया जो कुर्रत एलरतनी फिस मेरी आंखों की ठंडक नमाज में जिस चीज़ के अंदर नबी आंखों की ठंडक बता रहे उम्मत उस उसी चीज को छोड़ चुकी है जो नमाज नहीं पढ़ रहा ना वो अल्लाह की कसम अपने नबी को तकलीफ पहुंचा रहा है अल्लाह रसूल को तकलीफ दे रहा है वही इस्लाम की इमारत को मुनहदिम कर रहा है जो नमाज की पाबंदी कर रहा है वो अल्लाह के रसूल को ठंडक पहुंचा रहा है अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है एक शख्स ने ख्वाब देखा ख्वाब में क्या देखा कि रसूल वसल्लम की आंखें सुर्ख हो रही हैं लाल हो रही हैं उसने किसी आलिम से उस ख्वाब का मतलब पूछा ताबीर मालूम की उसने कहा कि तूने सही देखा फरमाया हजरत वो कैसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इलाकुर फिस मेरी आंखों की ठंडक नमाज में आज उसी नबी की उम्मत की अक्सरियत नमाज को छोड़ चुकी है नवे फीसद मुसलमान मर्द औरत नमाज को छोड़ चुके, चुके। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो रही तो मेरे भाइयों हम नबी को तकलीफ ना दे नमाज को छोड़कर अल्लाह की कसम वरना हमारे लिए बड़ी खतरे की बात है मेरे नबी ने फरमा जिसने एक नमाज भी जान बूझ कर छोड़ दी ना उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है और उसका जहन्नम में जाना यकीनी और छोड़ना तो दूर की बात है एक हदीस में आया अल्लाह के नबी ने फरमा जिसने एक वक्त की नमाज जान बूझ कर कजा कर दी जान बूझ कर वक्त पर नहीं पढ़ी बाद में पढ़ भी ली कजा पढ़ ली तो उसकी वजह से दो करोड़ अठासी लाख बरस वो जहन्नम में जड़ेगा और जहन्नम में जाना और जहन्नम का असाब कोई बच्चों का खेल थोड़ी है सबसे हल्का असाब जहन्नम का ये है कि जहन्नमी को आग के जूते पहनाए जाएंगे उनकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा और उसका भेजा नाक और कानों के जरिए से पानी की तरह बहेगा निकलेगा वो समझेगा कि जहन्नम का सबसे सख्त तरीन अजाम मुझे अजाम मुझे हो, हो रहा है हालांकि वो सबसे अदीस में आता है हालांकि वो सबसे हल्का अजाब होगा तो इसलिए मेरे भाई हम नमाजों की पाबंदी करें अल्लाह के लिए नमाज ना छोड़ें अल्लाह के लिए नमाज ना छोड़ें आप अल्लाह के लिए नमाज ना ना छोड़ें अल्लाह क्यामत के दिन फरमाएगा लोगों से कहेगा कि मेरे सामने सब सजदा रेज हो जाओ सजदे में चले जाओ सारे सारे लोग सजदे में चले जाएंगे लेकिन जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी कमर अकड़ जाएगी वो सजदा नहीं कर सकेंगे उस वक्त हर आदमी चाहेगा कि कम से कम मैं यहां तो अल्लाह की बात मान लू नमाज पढ़ लू सजदे में चला जाऊं लेकिन जिन्होंने दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ी वो क्यामत के दिन सजदा भी नहीं कर पाएंगे उनकी कमर तख्ता हो जाएगी अकड़ जाएगी और जहन्नम कुछ लोगों को जहन्नम में धकेला जा रहा होगा और उनके साथ जानने वाले मिलेंगे पहचानने वाले वो कहेंगे मा सलगकुम फी सकर तुम्हें जहन्नम में क्यों धकेला जा रहा है तुम लोगों को जहन्नम में क्यों ले जाया जा रहा है तो वो कहेंगे कलू वो कहेंगे लम मिनल मुसल्लीन हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमें जहन्नम में धकेला जा रहा है वो मेरे भाइयों मरना है मौत यकीनी चीज है मरना है जरूर मरना है बच नहीं सकता कोई मौत से मौत हर किसी को आएगी कुल्लु नफ्सिन से मौत के हर जानदार को मौत का मजा चखना है कोई नहीं बचा आज तक मौत से हजरत अली का फरमान अल मौत मऊत फौत कोई है जो आज तक मौत से बचा हो जिसने मुकाबला किया उसने शिकस्त खाई और जिसने जो मौत से भागा वो वो पकड़ा गया अल्लाह फरमा मौत फी बरूजी मुशैदा जहां मर्जी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हें वहां भी आप पकड़ेगा अगरचे तुम मजबूत खिलों के अंदर अपने आप को महफूज कर लो वहां भी मौत का फरिश्ता तुम्हें आदब होगा मौत से छुटकारा नहीं है और हम आसाद भी नहीं है कि जो मर्ज़ी करें जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारें वो मेरे भाइयों दुनिया की हर चीज़ हर मखलूक तस्वीर बयान, बयान करती है अट्ठारह हज़ार मखलूक़ा हैं सारी की सारी अल्लाह की तस्वीर बयान करती हैं और कुरान में अल्ला फरमाना मैं नहीं कर फरमा इमिन शैन अब हमदही वाला तफ़ी अल्लाह फरमाना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक हैं सारी की सारी अल्लाह ताल की तारीफ़ और अल्लाह की तस्वीर बयान करती है लेकिन उनकी तस्बीहात को तुम समझते नहीं हो इसलिए उनकी तस्बीहात तुम तुम्हारी समझ में नहीं आती तो दुनिया की हर मखलूक तस्बीह करे अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की तारीफ़ बयान करे और हम अल्लाह के बंदे होकर अल्लाह की तारीफ़ बयान ना करें हम नमाज़ों को छोड़कर दस दस बजे तक सोएं तो हमारे लिए बड़े खसार और नुकसान की बात है अल्लाम